नमस्कार, मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक माँ और एक पिता मौजूद है जिनका 12 साल का बेटा बिहार पटना से गायब हो गया है। करीबन एक महीना हो चुका है उसे गायब हुए हुए। यहाँ पर माँ बहुत भावुक हुई है। मैम क्या नाम है? मनमोहन कुमार नाम है, 27 तारीख के बड़ा बच्चा 6 बजे शाम के घर से गायब हुआ है। गांव में कंप्लेन किए, कोई कार्रवाई नहीं किया है। हरियाणा आए बच्चा को खोजते दोनों प्राणी कुछ पता नहीं लग रहा है। 5 बहन पर बच्चा मंगता चंगता के कोई बाबू भैया के पास होगा मेरा बच्चा। हमको फोन से भी बात करा देना कि हमको बच्चा कहाँ है। हमको क्या नाम है उसका? मनमोहन कुमार 13-14 साल पुरने वाला है। उसको दाहिना बाजू नहीं है मेरा बेटा। कहाँ के रहने वाले हो आप? पटना जिला घर कुंदी थाना पनारक जिला पटना के रहने वाले। अब देख सकते हैं यहाँ पर माँ भावुक हो रही है। आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। मनमोहन कुमार इनका नाम है। 12-13 साल के उम्र में ये घर से लापता हो गया। 1.5 महीना हो गया इन्हें लापता हुए हुए। घर वालों की आशंका है कि वो हरियाणा के करनाल में आई है। तो करनाल के जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद किसी परिवार को उनका बेटा मिल जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इसको जहाँ भी मनमोहन है वो ये वीडियो देखे, अपनी माँ को देखे किस तरीके से उसकी माँ भावुक हो रही है। उसके लिए पिता यहाँ पे मौजूद है। दोनों बिहार के पटना से कल रात ही हरियाणा आए हैं और सुबह हमारे पास पहुंचे कि उन्हें मदद चाहिए। सर क्या पूरा मैटर है? किसलिए घर से कोई लड़ाई हुई थी? क्या हुआ था? किसलिए गए हैं? हम क्या बोलें बाबू, हम कान से बहर सुनते हैं, अनपढ़ आदमी हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आता है। मजूरी करके बाल बच्चा पोसा, अभी हमको पर कोई सहारा नहीं है। हम भूख रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चा खाली नजर पड़ जाए तो मैं आज हरकत हूँ। आओ मेरे पास हम कुछ भी है नहीं, करीब आदमी सहयोग नहीं मिल रहा है। जितना कार्रवाई नहीं कर रही, कोर्ट से कोर्ट दर्ज किए तो थाना के पैसा दे करके कंप्रोमाइज कर दिया है गांव के लोग कि इसको बच्चा हो सके, लवारिस निकल जाए, ऐसे घोषणा दे दिया है। हम आए बिहार से खोजने हरियाणा अपना हरियाणा में, इसको इलाज हुआ है, 6 लाख रुपया लगा करके राजकुमार बाबू बचाया है उसको। हमको रोटी पानी कपड़ा सब दिया है। आए हमको बच्चा कहाँ है? हमको घर से गया। और आपको क्यों ऐसी आशंका है कि वो यहीं वापस आए हैं? यही अब आओ हमार आश्रय ही कोई भगा करके लाया है पटना से। यहाँ करेंट लगा करके कोई खेत में बिगल था तो राजकुमार बाबू उसको इलाज किया है, भर्ती किया है। लिखा है कुछ स्कूल जाता था बच्चा? अब दूसरा तीसरा है पढ़ल। उसका दाहिना बाजू तो साफ कटा हुआ है, गोर से भी डैमेज है बच्चा। तो लोगों से अपील करेंगे कि भी ज्यादा से ज्यादा मतलब वीडियो को शेयर करें, आपका बच्चा मिल जाए आपको। हाँ कहाँ हो ये बच्चा? हमरा कम से कम फोन से बात करा देतीन। वो बच्चा के अलावे हमरा कुछ नहीं, खाली घर के अलावे। एक ही बच्चा आपका? एगो 12 वाला लड़का है बाबू, तो ओकरा से कोई मतलब नहीं। 10 बरस से हमको एक पैसा लेन देन नहीं। 5 लड़की में 4 लड़की की शादी किए, 1 बच्ची हमको पास है। आप तस्वीर देखने का प्रयास कीजिए, तस्वीर आपको फिर से दिखाएंगे। मनमोहन नाम के व्यक्ति की है जिसकी उम्र 12 से 13 साल है। आप तस्वीर ध्यान से देखिए और ये करनाल के हरियाणा में ही कहीं है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर ज़रूर करिए, आपके शेयर से शायद ये वापस अपने घर पहुँच सके। अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है या आपने कहीं भी इन्हें देखा हो तो IBN का ऑफिशियल नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हमें इन्फॉर्म कर सकते, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से माँ बाप जो है वो भावुक हुए हैं। माँ लगातार रो रही है, अपील कर रही है लोगों से कि उनके बेटे को ढूंढने का प्रयास कीजिए। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके शेयर से शायद ये जो माँ बाप यहाँ पर इतने भावुक हुए हुए हैं उनको उनका बेटा मिल जाए। उनको बहुत उम्मीदों से वो लोग करनाल आए हैं, बिहार पटना से वो लोग कल रात को ही करनाल पहुंचे हैं और उन्हें बहुत उम्मीद है कि उनको उनका बेटा यहाँ पर मिल जाएगा। तो
वीडियो को शेयर जरूर करिए और देखते रहिए IBN 24। मैं हूँ स्मृति मल्होत्रा हरियाणा के करनाल से, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।